गाइस, वेलकम बैक टू पैशनेट कल्पना। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। भोलेनाथ की कृपा से मैं यहाँ अपने घर में बहुत मजे में हूँ। आप लोग भी अपने अपने घरों में मजे में रहिएगा। आई होप सो आप अपने घर में बहुत मजे में होंगे, अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। एक मिनट रुकिए, आया है। तो गाइस, आज डे है सैटरडे और मैं जो हूँ, सॉरी यार, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरे से ब्लॉगिंग नहीं होती। एक्चुअली होती तो थी, लेकिन ये कि जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, मैं बहुत होपलेस रहती हूँ, इसलिए मेरे को डेली ब्लॉगिंग करने का फिर मन नहीं होता। फिर सोचती हूँ नहीं यार, कनेक्शन जो एक है वो ख़त्म नहीं करना चाहिए। आपसे जितने लोगों से भी मैं कनेक्ट हूँ, चलो ठीक है, उतने लोगों को ही मेरी वीडियो की इंतज़ार रहती होगी, लेकिन कोई कमेंट करके तो बताता है नहीं कि इंतज़ार रहता है। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, बीच बीच में सही, लेकिन मैं कर देती हूँ। तो एक्चुअली और भी वीडियो मैंने शूट करके रखी है, बस मेरा मन नहीं होता उसको एडिट करके डालने का। और ये आज मैंने नया वीडियो स्टार्ट किया और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं स्टार्ट ही कर दूँ रेगुलर बेसिस पे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं, होता है नहीं होता है। तो गाइज, आज सैटरडे है और ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरा सारा काम हो चुका है, 11 o'clock हो रहा है। नहीं दीदी, हम सब कुछ सोचते हैं अभी से, वो तो पैसे की बात नहीं है ना। हाँ, क्या सोचे ली बताओ? दिन भर सोची कहाँ से पैसा, कितना कम खर्च होता, कितना बेसी खर्च होता, क्या रुपया जोड़ी, क्या रुपया घटाई, बस ये जोड़े सोचे। देखो दोस्तों, ये हम है और ये रुचि है, तू कौन है? देखो पूरा चोरी भी होता और आज हम लोग इधर आए हुए हैं बहुत दिन के बाद। अब पीछे देखो पूरा धोबी तो घाट लगा हुआ है, सारा अलमारी निकाल के पूरा एकदम लगा दिए, बाहर कर दिए हुआ है। अलमारी में का सामान ना निकला, अलमारी में का तो दीवान में, दीवान में भाई के में निकला है, दीवान में कुल मोनी का ले जाए वाला। अच्छा, लखनऊ ले जाए वाला आपको? हां, सुपर है। दीवानों में भरा डाला था, दीवानों में से निकाल के तो फूलों के भरनी है, कहां रख? सही बात है, पूरा एकदम वही कहां से ऐसे एकदम थैला पहले कुल बनिया वाला कुल इतना लंबा लंबा पहले हमर कुल ना सूटर उठा करके दीवाना में रखा जा रहा है। हां तो बुनिया का सूटर उठ रहा है, वो में कुल भरा नहीं है दीवाना से निकाल के। तो आज हम लोग इधर आए हुए हैं और मस्ती कर रहे थे और अभी सो रहे थे और अब घर जा रहे हैं। बहुत लेट हो गया है, रिकॉर्डिंग कुछ नहीं की है, वो वीडियो नहीं जाती आजकल, मन करता नहीं है। तो अब हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे बाद में। लिपस्टिक मैं तो लिपस्टिक जान मार रही, लिपस्टिक गल, लिपस्टिक गल जाए कितना क्या लग रहा है, कितना गलम किसी को ले किधर जाना है जी? आई एम कंफ्यूज, नहीं उधर तो चले जाएंगे वहाँ पे। हाँ हाँ यार, तुमको तो आइडिया हो गया। हाँ उधर से रिंग रोड चले गए थे हम लोग, देखो आगे देखो आगे देखो। हाँ जब जब चले गए थे ना तो रिंग रोड साइड में गए थे हम लोग। गाइज ये देखो, हम लोग पैदल पैदल वॉक करते हुए घर को जा रहे हैं, आगे जाके हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। तो हम लोग आए थे बुआ के घर, बुआ के घर से घर जा रहे हैं और बहुत दिन के बाद बुआ से मिले। बुआ पहले से थोड़ी पतली भी हो गई है, बहुत बीमार हो गई थी, अभी ठीक हो गई है और हम लोग पैदल पैदल कॉलोनी में जा रही है। अच्छा लग रहा है बहुत। रुचि मैम को देख लो जरा भाई, इनका गेटअप देख लो। ओह माय गॉड, व्हाट अ स्वेटर मैडम। ओहो तो चलो गाइस, हाय हाय। गाइस अब हम घर पे आ गए हैं बुआ के घर से और ये शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ अपम बनाने के लिए स्नैक्स में,
तो ऐसे मैंने ग्रीन वेजिटेबल है इसको मैंने देखिए इसमें चॉप कर लिया है, और बस अब इसको मैं फटाफट से मिक्स करूँगी, सूजी और दही का बैटर बनाऊँगी उसमें इसको मिक्स करूँगी, और सारे वेजिटेबल्स होंगे, और हल्का सा आप मसाला ऐड कर सकते हो और नमक और ऐड कर सकते हो, और ग्रीन चिली अपने हिसाब से करो, और बस ये सब्जियों में आप गाजर, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी जो होता है, कैबेज, ये सब आप ऐड कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, और हल्का सा दही और सूजी और ये सब सब्जियाँ, और क्या कहते हैं कि आप वो खाने वाला जो सोडा होता है वो आप मिक्स करके और उसको बैटर बना के उसको पेस्ट बना के फेंट के रख लो आप। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा वो, उसके बाद फिर आप उसको फटाफट से अपम बनाओ। तो बस मैं इसी की तैयारी कर रही हूँ, आप देख सकते हो शाम का टाइम है, मैंने कहा क्या बनाऊँ, और मैंने कहा चलो यही बना देते हैं, तो बस फटाफट से मैं बस इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, बैटर मैं अपना तैयार कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं फटाफट से अपम बनाऊँगी और फिर आप लोग को भी खिलाऊँगी, आप भी आइएगा खाने के लिए। और बहुत दिन के बाद बुआ के यहाँ गए थे, तो उसकी उनकी मतलब तबीयत ख़राब थी बुआ की, तो थोड़ी सी कमज़ोर भी हो गई हैं अभी, लेकिन ठीक है अभी फ़िलहाल तबीयत उनकी ठीक है, अच्छा फील कर रही हैं वो, लेकिन हाँ वीक हो गई हैं, देखने में बहुत पतली लग रही हैं अभी, तो बस यही था। तो हमने कहा चलो मिल के आते हैं और फिर देखते हैं कब जाते हैं, कब जाना होता है। और ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, और बस इसको फटाफट से फेंट लेते हैं, चलिए, और फेंट के फिर बनाते हैं, फिर आपको भी खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। और बस ये मैंने तैयार कर लिया, उसको रेस्ट करने के लिए भी मैंने थोड़ी देर रख दिया था, और अब मैं बस ये चूल्हा जला रही हूँ। अब ये है अपम स्टैंड, इसमें बस एक प्रॉब्लम है ना कि बहुत छोटे छोटे बनते हैं। मैंने बहुत सर्च किया था, ऑनलाइन मैंने मंगाया था, तो सर्च किया था कि इसमें बड़े बड़े जो उसमें जो गड्ढे बने हैं जिसमें आपको बैटर डालना है थोड़ा सा वो बड़ा बड़ा हो, बट ऐसा नहीं था, सब में छोटे छोटे बने थे, 12 बनते हैं एक बार में, छोटे छोटे बनते हैं बॉल टाइप के, अच्छे लगते हैं, बट स्पंजी स्पंजी। तो ये देखिए मेरा बैटर रेडी, मैंने इसमें वो खाने वाला सोडा ऐड कर दिया, क्योंकि वो लास्ट में ही करते हैं, जैसे ही करोगे तुरंत फर्मेंट होता है और उसके बाद फटाफट से स्पंजी स्पंजी ठीक से पकड़ो, लास्ट में ही करके बस जल्दी जल्दी से डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको फेंट लेती हूँ अच्छे से, इसमें मिक्स हो जाए, देखिए कैसे वो थोड़ा सा वो इसमें का एयर निकल जाना चाहिए, और थोड़ा सा होता है कि बुलबुले टाइप के हो जाते हैं जैसे ही आप सोडा डालो। तो बस अभी फटाफट मैं ऑयल ग्रीस करूँगी, इसमें हल्का हल्का सा आपको लगाना ही पड़ता है, अगर आप नहीं लगाओगे तो अंदर वो चिपकेगा बैटर, तो अच्छा नहीं बनेगा, तो इसलिए लगा के फिर आप उसको ब्रश कर से मिक्स कर दो, और फिर उसके बाद एक एक करके उसमें बैटर डालो और फिर बनाओ। चलिए फिर देखिए आप स्टेप बाई स्टेप। तो गाइस बस ये मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जब भी आप चाहें शाम के स्नैक्स में या सुबह के ब्रेकफास्ट में आप हेल्दी अपम बना के खा सकते हैं, ये मतलब ऑयल फ्री समझ लो, बस हल्का सा ग्रशिंग ही रहता है ऑयल का और कुछ नहीं रहता है, तो ये बस आप डाल दोगे तो फिर स्पंज की तरह फूल फूल के हो जाएगा और काफ़ी सॉफ्ट होगा। और जितनी सब्जियां आप अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो, जो भी सब्जी आपको पसंद है, और बिना सब्जी के भी बना सकते हो, ये आपका है, आप स्किप कर सकते हो सब्जी, आप जैसा पसंद करते हो वैसे खा सकते हो, काफ़ी टेस्टी लगता है। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खाओ, टोमेटो सॉस के साथ खाओ, चिली सॉस के साथ खाओ, अच्छा लगता है, अपना अपना टेस्ट है। मेरा तो बस चल, तो मैं इसको सिर्फ सब्जी के साथ भी खा सकती हूँ, रस्सी वाली सब्जी के साथ। शिबू जाओ यहाँ से, स्वेटर पहन के घूम रहे हो। शिबू 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 जाओ, अरे दूर करो ना, दूर करो। शिबू 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 हाय जाओ, जो स्वेटर सही कर दो, ले जाओ। ये देखो मेरा ये अपम बन रहा है, और मैं खड़ी होकर बोर हो रही हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मेरा गाल भी पहले देख रहे हो खूब भरा भरा हो गया, बट मुझे ऐसी वाले गाल अपने अच्छे लग रहे हैं, पहले कुछ ज़्यादा ही चिपकू चिपकू हो गए थे। हड्डियाँ तो अभी भी मेरी दिखती रहती हैं, ये देखो हड्डी हड्डी मेरी बॉडी में हो गई है, देखो ये देख रहे हो हड्डी हड्डी, ये गड़ी गड़ी हड्डी, ये गले में यहाँ पे तो कुछ रख देंगे, ऐसे कुछ रख के खा लेंगे, इतनी हड्डी यहाँ पे देखो, गड्ढा है बिल्कुल जी देखो, लेकिन अब ठीक है, थोड़ा चिक भरा भरा हो गया। ओ माय गॉड, मेरी प्रॉब्लम है जरा सा मेरा चिक भरता है मेरी डबल चिन आने लगते हैं, इसीलिए मुझे चिक भरा अच्छा नहीं लगता,
तो गाइस चलो फिर मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, मुझे बहुत मन कर रहा है। ये कलका बर्तन पड़ा है, इसको मैं भिगा देती हूँ चाय की। ये बर्तन पड़े हैं धोने को, मेरा मन नहीं हो रहा, देखो पूरा सिंक भरा हुआ है मुझे बिल्कुल। क्या गलती लेते हो, फूट लो यहाँ से, तुम जब देखो तब यही बैठे लेते हो। प्याज मत खाना, वैसे ही उसको बाहर निकाले थोड़ा सा, उसको सूखने के लिए, उसमें बहुत नमी थी। प्याज नहीं खाने का, प्याज नहीं खाने का। और ये बस दौड़ते रहते हैं, पूरे कमरे में दौड़ेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, चीचड़ा रहेंगे, घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। पकड़ो इनको, पकड़ो चुंगुन को, पकड़ो, ले जाओ इनको। उसको खुशी होती है, उसको दौड़ने देते, क्यों हटा देते हो? और क्या क्या बिगाड़ रहा है, वो तो दौड़ ही रहा है बस, जैसे उधर छोड़ दो, हमेशा बाहर रखते हो, उसको भी परेशान हो जाता है बाहर रह रहे। सिंबो तुम बाहर रह के परेशान हो जाते हो, है बताओ तो इसमें जरा अपनी दुख बताओ, अपनी व्यथा बताओ, इसमें व्यथा बताओ, व्यथा बस तुम्हारी बस लपर लपर चाटते रहते हो। अरे भैया को चाट डाले एकदम, यही व्यथा है तुम्हारी, हम नहीं गोदी लेंगे तुमको, भैया के पीछे दौड़ो। गाइज ये देखिए, ये अपम तैयार हो गया है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ज़्यादा ही सीख गया था मैं, थोड़ा सा लेट कर दी, सिब्बा के साथ बिजी हो गई, थोड़ा ज़्यादा ही सीख गया। और फटाफट मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर गर्मा गर्म चटनी के साथ परोस देती हूँ और ये लोग खा लेते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है मेरी, रोज़ बनाती नहीं, जब बनाते हैं तो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत काट पीट करके एडिटिंग करके इतना डालते हैं तो 40-40 मिनट की शूट हो जाती है। चलिए फिर फटाफट निकालते हैं, फिर दूसरी बार पूरा बैटर डालते हैं, दूसरी बार बनाते हैं और फिर गर्मा गर्म परोसते हैं। आइए आप भी खा लीजिए, ये देखिए तैयार हो गया एकदम, बहुत स्पंजी है, बहुत ही करारी है। और वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे गाइस, और फिर कल भी मिलेंगे, देखते हैं कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं। और देखिए कितना स्पंजी है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, अभी बहुत गर्म है लेकिन अभी भी तुरंत निकाला ना, देखिए मैं तोड़ रही हूँ, बहुत स्पंजी या बहुत अच्छा है। तो बस यही है कि चलिए आप हमको इजाज़त दीजिए और फिर देखते हैं कब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी टुमारो, लव यू गाइज, हर हर महादेव। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना प्यार बनाए रहिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट भी करिएगा। चलिए बाय।